नवरात्रों में श्रद्धालुओं के लिए एचआरटीसी की एक पहल है। नवरात्रि पर लग्जरी बस में सफर कर सकेंगे शक्तिपीठों के दर्शन, सफर करके लग्जरी बसों में सफर करके शक्तिपीठों के दर्शन कराए जाएंगे। धर्मशाला से की जा रही है बस सेवा की शुरुआत। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी और ज्वाला देवी के लिए एचआरटीसी की बस चलाई जाएगी। दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को लग्जरी बसों से दर्शन कराए जाएंगे। और हमारे चप्पे चप्पे पे जो है देवता विराजमान है और बहुत ही रेनाउंड टेंपल जो है, जो बहुत प्रसिद्ध धर्म स्थल हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। और हम अब पहली दफ़ा जो है दर्शन स्कीम के तहत जो है बस चला रहे हैं इन नवरात्रों में, जो कि पहली बस जो है धर्मशाला से चलेगी, चिंतपूर्णी आएगी, चिंतपूर्णी में बस के दर्शन होंगे और फिर उसके बाद ज्वालामुखी जाएगी, ज्वालामुखी में भी पूरी बस दर्शन करेगी और फिर उनको शाम को धर्मशाला छोड़ा जाएगा। अभी हमने, क्योंकि ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट टाइप का शुरुआत है, तो अभी हमने इसको टूर को वन डे, टू डेज, थ्री डेज में कन्वर्ट नहीं किया। अभी हमने सिंगल डे का कोशिश की है कि सिंगल डे में हम कैसे श्रद्धालुओं को लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने ये अपने डिपार्टमेंट को, एचआरटीसी को डायरेक्शंस दी हैं कि जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अमृतसर है, चाहे वो ब्यास है, चाहे हमें जो है अपने मंदिरों का ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और उसके बाद चामुंडा जी, बाबा भारतनाथ जी, कांगड़ा जी, इनका सर्किट बनाना हो, या जो है हमें हरिद्वार जाना है, हमें वृंदावन जाना है, या हमें अयोध्या जाना है, या जो हमें सब धार्मिक स्थलों के लिए जो है बसों को हम धार्मिकता के हिसाब से शुरू करने जा रहे हैं।